एडिटिंग के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा रहेगा? अगर लोग काम करते हैं ना यूट्यूब पे, हाँ, तो उनको एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, एडोब प्रीमियर प्रो है, बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है। नहीं, एडोब प्रीमियर वगैरह तो ये छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये तो मिनिमम आईफाई सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन पे भी चल जाते हैं, लेकिन उसमें आपको SSD की रिक्वायर्ड लाजमी होती है, क्योंकि स्पीड का ये काम होता है ना, तो स्पीड मांगता है सॉफ्टवेयर। ये हमारे भाई है ना, इन्होंने अभी लेना है लैपटॉप। रेट जो है सर जी, ये आईफाई की जो फर्स्ट जनरेशन है, ये मैं आपके रेफरेंस से जो आएगा मैं उसको 16,000 रुपये की दे दूँगा, जबकि मार्केट वैल्यू इसकी 18,000-18,500 रुपये की है। अगर आपकी रेफरेंस से कोई आता है या वैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टमर आता है, तो उसको हम दे देंगे तकरीबन 16,000 रुपये की। 4 GB रैम होगी और 250 GB हार्ड ड्राइव होगी, ओरिजिनल चार्जर होगा। 16,000 रुपये का i7 6th जनरेशन होगी या i5 6th जनरेशन होगी, तो वो हम ये फेवर कर सकते हैं कि 8 GB रैम और 256 GB M2 के साथ दे देंगे, 46,000 रुपये की मशीन ओरिजिनल चार्जर के साथ, स्लिम मशीनें होंगी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, सबसे पहले भाई अपना नाम तो बोल रहा है। मेरा नाम जुनेद। जुनेद भाई थोड़ा सा ऊंचा बोले, जुनेद नाम। अच्छा जुनेद भाई, क्या क्या सामान अवेलेबल है आपके पास, कौन कौन सा लैपटॉप है? सर जी, लैपटॉप तो फर्स्ट जनरेशन से लेके 8th जनरेशन तक, 9th जनरेशन तक अवेलेबल है सारे। सही है, तो ये सारा डेल के हैं आपके पास? जी, डेल है और एक दो मॉडल HP के हैं, बाकी सारा टोटल डेल है। टोटल डेल है जी। तो इनके रेट्स वगैरह बताएं, थोड़े से स्पेक्स वगैरह बताएं। स्पेक्स वगैरह है, मॉडल के हिसाब से होती है, अब छोटी जनरेशन है उसमें कम रैम हार्ड होता है, बड़ी जनरेशन में कम होता है। जैसे ये है, ये कौन सा मॉडल है? अब ये है डेल का 7480 i7 7th जनरेशन है। सही है, इसमें 16 GB रैम है और 256 GB M2 लगी हुई है साटा। सही है, ये अगर रेट के हिसाब से देखे जाएंगे तो ये 50 से प्लस होती है मशीन ना। हाँ जी, अगर इसमें छोटी जनरेशन होगी, 6th जनरेशन होगी, i5 6th जनरेशन होगी, उसमें हम लोग 4 GB रैम और 500 GB हार्ड ड्राइव लगाते हैं, या 8 GB रैम 256 M2 लगाते हैं, तो उसका प्राइस तकरीबन पहुँच जाता है 51 से 52 हज़ार रुपये तक। 51 से 52 हज़ार रुपये का जी। ठीक है, तो इसमें गेमिंग जो गेमिंग लैपटॉप भी आपको मिल जाएंगे। गेमिंग लैपटॉप ये पड़ा हुआ है हमारे पास, पबजी वाले आजकल बहुत देखते हैं ना। जी, ये उसी हिसाब से ये रहा। ये क्या चीज़ है? ये भी i7 की 7th जनरेशन है, 8 GB रैम है, 256 GB M2 साटा लगी हुई और 2 GB ग्राफिक कार्ड है। 2 GB का ग्राफिक कार्ड है। पबजी सही भागती है, पबजी तो ऐसी चलती है इस पर साटो बच्चों। सही है, ये डेल की मशीन है, कंडीशन 10 of 10 होती है। बाकी ये HP रखा हुआ है, ये HP है, ये पर्सनल यूज़ के लिए रखा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा ये जो बाहर रखे हैं, मतलब ये मुझे एक रेंज बताया ना यार, इतने से लेके इतने तक के हैं तकरीबन। ये अब ये वाली जो लाइन है, ये तकरीबन 18 से स्टार्ट होके, ये वाली जो जितनी भी लाइन है ना, ये नीचे वाली, ये तकरीबन 18 से स्टार्ट होके 30 तक का बजट की है मशीन। तो इस मशीन में स्पेक्स क्या है यहाँ पे? इसमें जो स्पेक्स आपको मिलेंगी, या तो इसमें आपको मिलेगी 4250-4320, ये नॉर्मल, क्योंकि इसमें i5 1st है, i5 2nd है, i5 3rd है, i7 2nd है, ये वाली मशीन है। ये i5 की लाइन है, ये i5 की और i7 की लाइन है। और ये ऊपर वाली, ये ऊपर जो आएंगी ना, ये जितनी भी डेल की लगी हुई, ये इसमें 6th जनरेशन है, 7th जनरेशन है, 4th जनरेशन है, सारी ऊपर की जनरेशन है। तो फिर अगर इससे ऊपर वाली ये वाली लाइन देखेंगे, ये फिर गेमिंग है, ये फिर गेमिंग भी है इसमें, और कुछ बड़ी जनरेशन है अभी, 8th जनरेशन 7th जनरेशन 9th जनरेशन, ये वाले मॉडल। तो ये कितने का? ये तकरीबन 60 से 80 हज़ार रुपये के दरमियान की मशीन है। सही है, ये जो ऊपर लगी हुई है, और ये जो i5 i3 6th जनरेशन i5 6th जनरेशन i7 से
50 से लेके 65 हज़ार। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो बंदा लेके जाता है उसके बाद वारंटी वगैरह का क्या? वारंटी हम लोग डेड डैमेज के अलावा वारंटी नहीं देते, बाकी अदर वारंटी होती है तकरीबन 10 से 15 दिन की देते हैं, डेड वारंटी नहीं होती हमारी। 10 से 15 दिन की चेकिंग वारंटी, चेकिंग वारंटी। बैटरी बैकअप का क्या? बैटरी बैकअप 6 सेल बैटरी होती है, 9 सेल जिसमें होती है उसकी बैटरी बैकअप तकरीबन 2 घंटे से प्लस आता है, वैसे 2 घंटे की कमिटमेंट करके देते हैं बैटरी की। सही है। तो अच्छा, इसमें कोई इशू आया था तो वो फिर आप जैसे वारंटी जो चेकिंग वारंटी है उसके अंदर? चेकिंग वारंटी है, ज़्यादातर जो इशू आता है वो सिर्फ बैटरी का आता है कि बैटरी बैकअप कम आ रहा है बैटरी, तो हम लोग बैटरी रिप्लेस कर देते हैं। सही हो गया, चले ठीक है। अच्छा है भाई, ये वो रेट बताएं। अच्छा रेट दोबारा से बता दें एक दफ़ा ना। रेट जो है सर जी, ये i5 की जो फर्स्ट जनरेशन है ये मैं आपके रेफरेंस से जो आएगा मैं उसको 16,000 रुपये की दे दूँगा, जबकि मार्केट वैल्यू इसकी 18,000 साढ़े 18,000 रुपये की है। अगर आपकी रेफरेंस से कोई आता है या वैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कस्टमर आता है तो उसको हम दे देंगे तकरीबन 16,000 रुपये की। 4 GB रैम होगी और 250 GB हार्ड ड्राइव होगी, ओरिजिनल चार्जर होगा। 16,000 रुपये का i7 6th जनरेशन होगी या i5 6th जनरेशन होगी, तो वो हम ये फेवर कर सकते हैं कि 8 GB रैम और 256 GB M2 के साथ दे देंगे, 46,000 रुपये की मशीन ओरिजिनल चार्जर के साथ, स्लिम मशीनें होंगी। सही है जी। बताइएगा जैसे वो ग्राफिक्स उसके लिए वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा रहेगा? जैसे लोग काम करते हैं ना यूट्यूब पे, हाँ, तो उनको एडिटिंग सॉफ्टवेयर है एडोब प्रीमियर प्रो है, बड़ा हैवी सॉफ्टवेयर है। नहीं, एडोब प्रीमियर वगैरह तो ये छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये तो मिनिमम i5 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन पर भी चल जाते हैं, लेकिन उसमें आपको SSD की रिक्वायर्ड लाजमी होती है। SSD स्पीड का ये काम होता है ना, तो स्पीड मांगता है सॉफ्टवेयर। ये हमारे भाई है ना, इन्होंने अभी लेना है लैपटॉप जी एडिटिंग के लिए। सही। इनके लिए आप कौन सा रिकमेंड करेंगे? इनके लिए बजट मिनिमम बजट पे भी डिपेंड करता है, बजट क्या होना चाहिए। तो उसमें आपको अच्छा सा बताया ना यार, क्योंकि ये वाला ले लो, इसमें आप दिल खोल के एडिटिंग करो। हाँ, अगर बजट वाला लैपटॉप चाहिए तो सर जी मेरे से आप i5 6th जनरेशन ले लीजिएगा, ग्राफिक कार्ड वाला मैं आपको दे दूँगा, उसमें आपके सॉफ्टवेयर भी चलेंगे, थोड़ी बहुत गेमिंग भी हो जाएगी और फोटो एडिटिंग वगैरह भी सब हो जाएगा। तो कितने का वो? तकरीबन आपको 8 GB 256 GB और 1 GB ग्राफिक कार्ड के साथ तकरीबन 60 से 62 हज़ार रुपये का पड़ेगा। 60 से 62 हज़ार रुपये 1 GB ग्राफिक कार्ड वाला जी। अच्छा भाई, आप अपना नंबर और एड्रेस और यहाँ पहुँचने का थोड़ा तरीका भी बता दें लोगों को ना, कैसे पहुँचे भाई? शॉप मार्केट तो आपको पता है, नास प्लाजा एमएजीना रोड सदर कराची, गेट नंबर 4 है, गली नंबर 4 है और शॉप नंबर 157 है, अलाहदी लैपटॉप। और ये शॉप का कार्ड है, ठीक है? ये नंबर जो चल रहे हैं दोनों? हाँ नहीं, दोनों नहीं, इसमें जो हमजा का नंबर है वो होता है यहाँ, और नीचे वाले फरहान भाई रीगल में होते हैं वेयर हाउस पे हमारे। चलें ठीक है भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।